सनातन धर्म के ग्रंथों में कई देवीय पौधों का जिक्र किया गया है, जिन्हें केवल प्रणाम करने, पूजा करने या फिर छूने मात्र से ही सारी तकलीफें दूर हो जाती है और मनोवांछित सभी कामनाएं की पूर्ति भी होती है। आज हम ऐसे ही पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पौधों को स्पर्श से ही आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। हम जिस पौधे की बात कर रहे हैं उसे हार श्रृंगार या फिर परिजात के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे नाइट जस्मिन कहते हैं। कहते हैं कि वनवास काल के दौरान माता सीता परिजात के फूलों का हार बनाकर पहनती थी, इसलिए इसका एक नाम श्रृंगार हार भी पड़ा। इसकी उत्पत्ति को लेकर कथा मिलती है कि इसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी और देवताओं को मिला था। स्वर्ग में इंद्र ने अपनी वाटिका में इसे रोप दिया था। मान्यता के अनुसार नरकासुर के वध के पश्चात इंद्र ने श्री कृष्ण को परिजात का पुष्प भेंट किया, जिसे उन्हें देवी रुक्मिणी को दे दिया। देवी सत्यभामा को देवलोक से देवमाता अदिति ने चिर यौवन का आशीर्वाद दिया था, लेकिन परिजात पुष्प के प्रभाव से देवी रुक्मिणी भी चिर यौवन हो गई थी, जिसे जानकर सत्यभामा क्रोधित हो गई और श्री कृष्ण से परिजात वृक्ष लाने का जिद करने लगी। इसके बाद श्री कृष्ण को परिजात का वृक्ष धरती पर लाना पड़ा। वास्तुशास्त्र के अनुसार परिजात को छूने मात्र से ही व्यक्ति की थकान मिट जाती है। मान्यता है कि परिजात का वृक्ष जिसके भी घर में या फिर आसपास में होता है, उसके घर सभी तरह के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। इसके अलावा परिजात के फूलों को खासतौर पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पूजन के इस्तेमाल के लिए किया जाता है। जहाँ यह पौधा होता है वहाँ साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है। हार श्रृंगार के पौधे दक्षिण पूर्वी और दक्षिणी एशिया में उगते हैं। यह अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में ही फूलों से लदे रहते हैं। आइए अब चर्चा कर लेते हैं स्वास्थ्य के लिए परिजात के फायदे। सबसे पहला, चिकनगुनिया और डेंगू के इलाज के लिए परिजात बहुत ही उत्तम माना गया है। चिकनगुनिया और डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी व्यक्ति को पूरी तरह से तोड़ सकती है। इसके लिए व्यक्ति को हॉस्पिटल में भर्ती होने की नौबत आ जाती है, लेकिन हार श्रृंगार की पत्तियों का नियमित सेवन करने से डेंगू और चिकनगुनियों के लक्षणों में काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। डेंगू और चिकनगुनियों के दौरान शरीर में प्लेटलेट की संख्या कम होती है, ऐसे में शरीर में जल्द से जल्द प्लेटलेट्स बढ़ाने की आवश्यकता होती है। हार श्रृंगार को अन्य आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर या फिर अकेले ही हार श्रृंगार की पत्तियों और फूलों का काढ़ा बनाकर मात्र 7 दिन तक सेवन करने से डेंगू और चिकनगुनियों का इलाज हो जाता है, बहुत ही अच्छा काम करता है। अर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द, सभी प्रकार के वात रोग, कंधा दर्द, कमर दर्द, घुटने का दर्द या फिर हड्डियों का दर्द हो, उसके लिए भी हार श्रृंगार और परिजात का पौधा बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद माना गया है। आज के दौर में आर्थराइटिस ने बुजुर्गों के नहीं बल्कि युवाओं में भी अपने पैर पसार चुका है। हड्डियों के दर्द और सूजन की वजह से लोगों की दिनचर्या पर बहुत ही गहरा असर पड़ा है। कई बार यह दर्द इतना बढ़ जाता है और सूजन इतनी बढ़ जाती है कि कई बार नींद आना भी मुश्किल हो जाती है। ऐसे मामलों में हार श्रृंगार की पत्तियों का नियमित सुबह खाली पेट काढ़ा बना करके सेवन करने से दर्द और सूजन कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाती है। अगर आपको यह पौधा नहीं मिलता है या फिर आप इस पौधे की पहचान नहीं कर पाए हैं, तो आप बाजार से, आयुर्वेदिक दवा विक्रेता से या फिर पंसारी की दुकान से हार श्रृंगार की पत्तियों का पाउडर लेकर घर ले आइए। 1 चम्मच पाउडर 1.5 गिलास पानी में उबाल लीजिए। जब वो 1 गिलास शेष बच जाए तो उस पानी को गुनगुना गुनगुना चाय की तरह सिप सिप करके सेवन करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि हफ्ता 10 दिन सेवन करने मात्र से आपके शरीर के सभी प्रकार के वात रोग, जोड़ों का दर्द, अर्थराइटिस, सूनापन, नसों में दर्द, हड्डियों का दर्द, घुटना दर्द, कमर दर्द, सभी प्रकार के दर्दों में बहुत ही अच्छा रिलीफ मिलेगा। आजकल बुखार बहुत ज़्यादा चले हुए हैं। मलेरिया और बुखार में भी हार श्रृंगार के बहुत ही अच्छे परिणाम देखे गए हैं। हार श्रृंगार की पत्तियाँ और फूल में बुखार को दूर करने के गुण पाए जाते हैं। मलेरिया की अवस्था में आने वाले तेज बुखार, डायरिया, मितली आने के लक्षणों में हार श्रृंगार के सेवन से आराम मिलता है। हार श्रृंगार की पत्तियों में शरीर को रिलैक्स करने वाले और मलेरिया के लक्षणों को कम करने वाले गुण मौजूद होते हैं। इस तरह परिजात मलेरिया और अन्य सभी तरह के बुखार को दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा असरकार साबित हुआ है।
और दोस्तों खांसी के इलाज के लिए भी हारसिंगार का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। आजकल आप देख सकते हैं जब भी मौसम परिवर्तन होता है, जैसे सर्दी से गर्मी आती है, गर्मी से सर्दी आती है, तो काफ़ी बीमारियां शरीर को जकड़ लेती है, उसमें से एक है खांसी। खांसी के इलाज के लिए भी हारसिंगार या पारिजात का बहुत ही अच्छा प्रयोग किया जाता है। कई बार लोगों को लंबे समय तक खांसी आने की समस्या रहती है। यह खांसी स्मोकिंग, ब्रोंकाइटिस, गले में इन्फेक्शन या फेफड़े में होने वाली किसी भी समस्या की वजह से हो सकती है और आपको बहुत परेशान कर सकती है। साथ ही लोगों के बीच आपका उठना बैठना मुश्किल कर देती है। अक्सर खांसी रात में ज़्यादा होती है और आपको सोने भी नहीं देती, जिसकी वजह से आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती और आप दिन भर थकान महसूस करते हैं। ऐसे में हारसिंगार की पत्तियों का पाउडर को शहद के साथ अनुपान मात्रा में लेने से सभी तरह की खांसी में आराम मिलता है। साथियों, हमने आज जितनी भी बीमारियां बताई है, अगर आपको इनमें से कौन सी बीमारी के लक्षण दिखते हैं तो आप बेझिझक हारसिंगार के पत्तियों फूल का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, थोड़ी सी सावधानी भी इसमें रखनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि हारसिंगार का पत्ता होता है, छाल होती है, फूल होता है, इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है। अगर किसी की तासीर गर्म है तो वो ज़्यादा मात्रा में सेवन ना करें, कम मात्रा में ही सेवन करना शुरू कीजिए। कई बार ज़्यादा सेवन कर लेते हैं तो उसको मितली शुरू हो जाती है, पेट में या मुंह में छाले हो जाते हैं, पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं, कई महिलाओं को सफ़ेद पानी की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। तो दोस्तों, थोड़ी सी सावधानी के साथ ही हारसिंगार के पत्ते और फूल का इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको बहुत ही अच्छे परिणाम इसमें मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।